नमस्कार, डिजिटल कंप्यूटर दुनिया में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं जो 10 जून को हम लोग का कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, उसका सलूशन आज देखेंगे। ये क्लास 11 के लिए है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आया था और किसका सलूशन या फिर हल हम कैसे करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है। तो बताइए कि हमारे पास ये जो नज़र आ रहा है, आप मेमोरी अगर पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि सबसे बड़ी यूनिट जो कौन सी होती है। तो यहाँ पे दिया है जीगाबाइट, वाइट, मेगाबाइट और टेराबाइट, जिसके अंदर पे हमने पढ़ा था कि केबी, एमबी, जीबी इस प्रकार से। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिट की अगर बात किया जाए तो सबसे छोटा जो होता है वो बाइट होता है, उसके बाद हमारे पास मेगाबाइट होता है, उसके बाद हमारे पास जीगाबाइट होता है, उसके बाद टेराबाइट होता है। कहने का मतलब सबसे बड़ी यूनिट की बात किया जाए तो हमारे पास सबसे बड़ी यूनिट जो होता है वो टेराबाइट होता है। तो आंसर हमारा ये लास्ट वाला चौथे नंबर पे आएगा। अगर क्वेश्चन दूसरी की अगर बात किया जाए तो दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है उसको हम देख लेते हैं। क्या बोलता है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस पे परिवर्तित करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब कंप्यूटर के अंदर पे कोई भी सॉफ्टवेयर पे हम काम करते हैं और काम करने के बाद जो डेटा हमारा प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है वेबसाइट, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम, ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या होती है कि जब कंप्यूटर के अंदर पे कोई डेटा को हम देते हैं तो वो हमारा जब काम करके वो रिजल्ट प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो हमारा आ जाएगा इंफॉर्मेशन, आंसर हमारे पास इंफॉर्मेशन दूसरा रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की। और तीसरा क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि बताइए कि कीबोर्ड के किन बटनों पर तीर का निशान होता है उसे क्या कहते हैं। तीर कहने का मतलब क्या हुआ कि तीर का मतलब होता है एरो। एरो आप कीबोर्ड में जो एरो होती है उसको हम क्या, कौन सी नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होगा कि हमारे पास कीबोर्ड में ये चार प्रकार का हमारे पास क्या होती है, एरो होती है जिसको हम तीर कहते हैं, तीर का निशान। तो हमारे पास यहाँ पे अगर बात किया जाए तो हमारे पास दिया हुआ है पहले फंक्शन की, नेगेशन की, टाइपराइटर की और स्पेशल पर्पस की। तो हमारे पास ये जो आता है ये हमारे पास जो होता है जिसको हम एरो की कहते हैं, ये हमारा नेविगेशन की होती है। तो ये दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास अगर चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि बूट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है तो जिस स्क्रीन को आप देखते हैं वह कहलाती है। मतलब आप किसी भी बूट करते समय जब हम कंप्यूटर को या फिर ऑन करने के बाद हमारे पास जो इंटरफेस आती है उसको हम, उस स्क्रीन को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ दिया है टेबल टॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं और चालू करने के बाद हमारे पास जो आता है मॉनिटर पे उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगर नेक्स्ट की पांचवें क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट, पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होती है। तो आपको पता होगा कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी, कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट, कंट्रोल पी का मतलब होता है प्रिंट और कंट्रोल प्लस वी का मतलब होता है पेस्ट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा यहाँ से कट जाएगा तो आंसर हमारा क्या बच जाएगा, कंट्रोल प्लस वी का मतलब होता है पेस्ट। तो यहाँ से हमारे पास इस प्रकार से शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। आगे छठे की ओर चलते हैं। तो छठा हमारे पास बता रहा है कि वर्तमान डॉक्यूमेंट में
डॉक्यूमेंट के स्थान से एन डॉक्यूमेंट या वेबसाइट के बीच होने वाले संपर्क को क्या कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि छठा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम किसी भी वेबसाइट में अगर जाते हैं तो हमारे पास एक या डॉक्यूमेंट्स या एक से अधिक डॉक्यूमेंट को जब एक दूसरे में जोड़ दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास देख लेते हैं, सबसे पहले हाईलिंक, हाइपोलिंक, लिंकेज, हाइपर लिंक। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जब एक डॉक्यूमेंट्स या दूसरे डॉक्यूमेंट से एक अटैच किया जाता है तो उसे हम वेबसाइट या फिर उसमें हम उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। तो ये हमारे पास हाइपर लिंक जो आएगा वो आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात अगर किया जाए तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है फुल फॉर्म URL, URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बताना है कि यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनी रिसोर्स लोकेटर या नन ऑफ दीज। तो आपको पता होगा कि URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब आ जाएगा हमारे पास आंसर तीसरा वाला, मतलब दूसरा वाला। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आठवें की ओर हम देखते हैं कि आठवां क्वेश्चन कौन सी है। तो आठवां क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो आठवां क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है कि GUI स्टैंड फॉर क्या होता है, मतलब GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GUI यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्रेटर, यूजर इंटरफेस ग्राफिकल यूनियन इंटरफेस और ये ग्राफिकल यूजर इंटरनेट। तो यहाँ पे होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास पहला वाला आएगा। आगे इसकी बात किया जाए तो आगे हमारे पास नौवें की अगर बात करते हैं नौवां क्वेश्चन, तो नौवां क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो नौवां क्वेश्चन कौन सी है। तो पूछ रहा है IP का फुल फॉर्म क्या होती है, IP का फुल फॉर्म क्या होती है। तो IP का कहने का मतलब दिया इंटरनेट पब्लिकेशन, इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यहाँ पे दिया है इंस्टाग्राम प्रोटोकॉल। तो कहने का मतलब क्या होता है, IP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, दसवें क्वेश्चन की, तो दसवां क्वेश्चन हमारे पास देख लेते हैं। दसवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ CD का पूरा नाम क्या होता है। तो CD का पूरा नाम अगर बात किया जाए तो कॉम्पैक्ट डिस्क, कमांडिंग ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क और यहाँ पे केबल ड्राइव, यहाँ पे दिया कॉम्प्लेक्टिक। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ CD का जो हो जाएगा वो कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा, ये आंसर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।